2023 में शेयर बाजारों ने इन्वेस्टर्स को जमकर कमाई कराने का मौका दिया है। स्मॉल कैप हो या सरकारी कंपनियों के शेयर, हर तरफ जैसे पैसों की बारिश हुई है। इतना ही नहीं, ये साल आईपीओ का साल भी रहा है। तेजी के इस दौर में कंपनियों ने पब्लिक इशू लाकर न सिर्फ खुद पूंजी जुटाई बल्कि इन्वेस्टर्स को भी। इनमें लिस्टिंग के दिन ही खूब मुनाफा हुआ और ऐसे में इन्वेस्टर्स अब ये सोच रहे हैं कि क्या स्मॉल कैप के बाद कमाई का जरिया एसएमई स्टॉक्स बनने वाले हैं। आईपीओ मार्केट की बात करें तो यहाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी एसएमई को हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं एसएमई आईपीओ की बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि 2023 में आखिर एसएमईज के आईपीओ का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो जो भी इस सेगमेंट की अब तक अनदेखी कर रहे थे वो ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस साल एसएमई आईपीओ मार्केट भी धमाकेदार रहा है। FYERS रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में एसएमई कैटेगरी की 166 कंपनियों ने आईपीओ उतारे और इस तरह से 4,472 करोड़ रुपए की तगड़ी पूंजी जुटा ली। 2022 में 109 एसएमईज ने आईपीओ के जरिए 1,980 करोड़ रुपए जुटाए थे। लेकिन ये तो बात थी कि कितनी कंपनियों के आईपीओ आए और इनके जरिए कितनी पूंजी जुटाई गई, लेकिन बड़ी बात ये है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो चलिए इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। असल में इस एसएमई की 166 कंपनियों में से 136 के आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इनमें भी 24 कंपनियां तो ऐसी थी जिन्हें लिस्टिंग के दिन ही 99.5% से ज्यादा फायदा हुआ। एसएमई सेगमेंट में गोयल सॉल्ट का आईपीओ तो लिस्टिंग के दिन ही 258% चढ़ गया। इसके बाद सन गार्नर एनर्जीज का नंबर आता है जो लिस्टिंग के दिन 216% चढ़ गया, जबकि बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो के शेयर 193.4% उछल गए। ओरियाना पावर के शेयर लिस्टिंग के दिन 168.7% चढ़ गए, जबकि एनियन टेक सॉल्यूशंस के शेयर 163.7% चढ़ गए। फ्लायर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एसएमई आईपीओ के साथ सबसे चौंकाने वाली बात इनका सब्सक्रिप्शन रेट रहा। 166 में से 51 कंपनियों का सब्सक्रिप्शन रेट 100 गुने से ज्यादा रहा है, जबकि 12 कंपनियों का सब्सक्रिप्शन रेट 300 गुने से ज्यादा रहा है। इतना ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इन आईपीओ में इंटरेस्ट जबरदस्त रहा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने सलाह दी है कि आने वाले आईपीओ में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जबकि मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है। इतना ही नहीं, एसएमई इंडेक्स ने भी इस साल तगड़ा रिटर्न दिया है। बीएसई एसएमई आईपीओ ने बीते 6 महीने में 77.62% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि 2023 में अब तक इसने 88.41% का उछाल दर्ज किया है। बीते एक साल में ये इंडेक्स करीब 95% चढ़ा है। इसका 5 साल का रिटर्न तो और ज्यादा जबरदस्त रहा है। 5 साल में बीएसई एसएमई इंडेक्स ने 2,469% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके मुकाबले निफ्टी का 6 महीने का रिटर्न महज 15% रहा है। 2023 में अब तक निफ्टी ने 17.93% रिटर्न दिया है, जबकि बीते एक साल में इसका रिटर्न 19.12% और 5 साल में 97.62% रिटर्न रहा है। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि लिस्टेड एसएमईज का रिटर्न बेंचमार्क निफ्टी के मुकाबले कहीं बेहतर रहा है। इस सेगमेंट में आईपीओ के धुआंधार रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को अब इस सेगमेंट की ओर खींच रहे हैं। हालांकि इन शेयरों में जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को थोड़ा संभल कर और बेहद जांच परख के बाद ही इनमें पैसा लगाने का सोचना चाहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।